फर्स्ट लाइन, लास्ट लाइन, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ ये किया था। क्वेश्चन नंबर फोर्थ लिखिए, कैलकुलेट द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ ऑफ एल आई प्लस ऑफ लाइमन सीरीज इन एल आई प्लस टू स्पेक्ट्रम। ठीक है, अरे सबीहा आप उस बैच में क्यों नहीं आए? सबीहा, हेलो सबीहा, कैन यू हियर मी? अच्छा नहीं है, अच्छा नोहा अरसलान, आपका वेंसडे सैटरडे बैच अब का चलता रहेगा और वहां मंडे फ्राइडे और एक क्लास और होगी सैटरडे या संडे, संडे में रखूंगा उसमें, आप अपना उसमें आगे वाला सर ये अपना दो बैच आपका हो गया, क्लियर है? कुछ दिनों के बाद ये बैच जब आपका बैकअप हो जाएगा तो बंद हो जाएगा, समझ गए? कंफ्यूजन तो नहीं है नोहा? नो सर। हाँ चलिए देखिए ये बना के देखा। अच्छा बताइए शॉर्टेस्ट वेवलेंथ का क्या मतलब होगा, जल्दी बताइए। लॉन्गेस्ट वेवलेंथ का क्या मतलब बताया था? सर वेवलेंथ ऑफ द फर्स्ट लाइन। वेरी गुड, तो शॉर्टेस्ट वेवलेंथ का ये मतलब हुआ मिनिमम वेवलेंथ। अब खुद सोचिए जब मिनिमम वेवलेंथ होगा तो एनर्जी ज्यादा होगी, और आप सारे लोग बताइए कि इलेक्ट्रॉन की मैक्सिमम एनर्जी कहाँ ज्यादा होती है? तो इंफिनिटी पर, याद है आपको? याद है ना? यस वेरी गुड, इनफैक्ट जो कि न्यूक्लियस के नजदीक इलेक्ट्रॉन कम होता है, दूर जाते जाते बढ़ता है, इंफिनिटी पर मैक्सिमम उसकी वैल्यू जीरो होती है। तो याद रखिए केमिस्ट्री में जब भी शॉर्टेस्ट वेवलेंथ न्यूमेरिकल में क्या स्पेक्ट्रम में शॉर्टेस्ट वेवलेंथ कहे तो आप समझ जाइए वेवलेंथ ऑफ लास्ट लाइन है। लास्ट लाइन वाला न्यूमेरिकल आपको कराया ही था, लास्ट लाइन, तो लास्ट लाइन का मतलब ही हुआ इनफिनिटी। क्लियर है? यस सर। अब इसको जब सॉल्व करेंगे ना, एक मिनट रुकिएगा, कि आपको रेडबर्ग फार्मूला तो मालूम है, 1 बाय लैम्डा इज इक्वल टू आर एस जेड स्क्वायर, 1 बाय n1 का होल स्क्वायर माइनस 1 बाय n2 का होल स्क्वायर। तो लेमडा को रहने दीजिए, आर एस को रहने दीजिए, जेड कितना है? लिथियम का में प्रोटॉन, लाइमन सीरीज है तो लाइमन में n1 कितना होता है? 1। क्लियर है? और इन्फिनिटी तो हो गया जीरो हो गया। 1 बाय लेमडा इज इक्वल टू 9 RH, तो बताइए लेमडा इज इक्वल टू 1 बाय कितना हो जाएगा? 1 बाय लेमडा इज इक्वल टू, बोलिए लेमडा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 1 बाय 9 RH। अब बताइए 1 बाय 9 और 1 बाय RH की वैल्यू डायरेक्टली सॉल्व करके क्या बताया था? 912 angstrom, याद है शॉर्ट ट्रिक्स? यस सर 912। यस, सब कुछ समझ में आया? हेलो एवरीवन, सबीहा मेरी आवाज आ रही है? सबीहा खुर्शीद? यस सर। सबीहा आप आगे वाले बैच में क्यों नहीं आई, फिर कैसे सिलेबस होगा? सर मेरा फिजिक्स का एग्जाम था इसलिए। अच्छा ठीक है, ओके। तो आपको ये मालूम है ना, आपका देखिए वेंसडे सैटरडे आपका ये टाइम जो हम लोग पढ़ रहे हैं वो चलता रहेगा, बाकी बैच में आप आगे पढ़ेंगे, कुछ दिनों के बाद ये बैच खत्म हो जाएगा। ठीक है, ओके सबीहा, समझ गई? यस सर। हाँ ठीक, उसमें स्टेट्स ऑफ मैटर शुरू किया है, 1 घंटा का लेक्चर है, जरूर देख लीजिएगा नेक्स्ट क्लास में आने से पहले जो आगे वाले बैच है। ठीक है, मिस्कर सर को कहिएगा कि मुझे वीडियो लेक्चर भेज दीजिए स्टेट्स ऑफ मैटर का, कोई पीछे का कंसेप्ट नहीं है, बहुत जल्दी जल्दी खत्म होगा वो चैप्टर।
ये लिख लिया ये स्लाइड? यस सर, जल्दी लिखिए। और मेराज रहमान, आवाज आ रही है मेरी आपको? यस सर, आ रही है। अच्छा, यह हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम चल रहा है, क्वांटम नंबर बाकी है इसमें, क्वांटम नंबर मजबूत होगा तो आपको थर्ड फोर्थ में परेशानी नहीं होगी। तो हम सेकंड चैप्टर कर रहे हैं अभी? जी जी जी। ओके सर, तो एक्चुअली सर क्वांटम नंबर मैंने कर लिया सर। Done, sir. दो न्यूमेरिकल के बाद हम न्यू टॉपिक शुरू करेंगे, जल्दी लिखिए। लिख लिया सारे लोग? हाँ या ना? यस सर। ठीक, तो यहाँ तक सबको समझ में आया? हाँ या ना, जल्दी बताइए। यस सर। आपसे कह रहा है व्हाट ट्रांजिशन इन हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम वुड हैव द सेम वेवलेंथ एज बार्मर ट्रांजिशन फॉर n इज इक्वल टू 4 टू n इज इक्वल टू 2 इन Hg प्लस 1 स्पेक्ट्रम। क्लियर है क्वेश्चन? लिख लिया सारे लोग? हाँ या ना? यस सर। यस सर। तो देखिए, आपको ट्रांजिशंस का मतलब ये है कि n1 और n2 की वैल्यू कह रहा है, आपको कुछ नहीं करना है। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम है आपके पास, 1 by lambda is equal to RH, Z की वैल्यू 1, 1 by N1 का होल स्क्वायर माइनस 1 by N2 का होल स्क्वायर, 1 by lambda RH और N1 N2 तो निकालना ही है, ये आपने ऐसे लिख लिया। अब आइए बार्मर ट्रांजिशन बोलना, यानी एच ई प्लस वन स्पेक्ट्रम में अलग अलग हम आपको बता रहे हैं, वन बाई लेमडा इज इक्वल टू आर एच, जेड का मतलब टू का होल स्क्वायर, और देखिए एन वन कितना है, टू लोअर लाइन, वन बाई टू का होल स्क्वायर माइनस वन बाई फोर का होल स्क्वायर, 1 by lambda is equal to RH into 4, 1 by 4 minus 1 by 16. 1 by lambda is equal to RH,
फोर वन बाय फोर कॉमन ले लीजिए, वन माइनस वन बाय फोर ये कैंसिल, वन बाय लेमडा इज इक्वल टू आर एच, वन माइनस वन बाय फोर। अब क्वेश्चन खुद कह रहा है दोनों की वेवलेंथ सेम है, हाँ या ना, जल्दी बताइए सारे, कह रहा है ना क्वेश्चन? यस सर। अब दोनों को इक्वेट कर दीजिए, आर एच वन बाय एन वन का होल स्क्वायर माइनस वन बाय एन टू का होल स्क्वायर, आर एच वन डिवाइडेड बाय वन का होल स्क्वायर फोर है, देखिए यहाँ पर फोर है ना, फोर तो आपको टू का होल स्क्वायर। उसको सॉल्व करने का तरीका ये है, आर एच आर एच कैंसिल, देखिए एन वन रिप्रेजेंट वन और एन टू रिप्रेजेंट टू, दिस इज आसान। बोलिए आया समझ में ट्रांजिशन का मतलब, यही और भी पूछा था। हेलो एवरीवन, आया समझ में कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के किस ट्रांजिशन के लिए दोनों की वेवलेंथ बराबर होगी? तो अलग अलग निकाल लीजिए, दोनों को इक्वेट कर लीजिए। अब यहाँ पर पूरी तरह सॉल्व करना बहुत टफ काम है, ये नहीं कैसे, इसको बस कंपेयर कीजिए एन वन वन एन टू। चलिए अब लीजिए यहाँ से, अब दो एक छोटा सा आएगा जो बहुत ही मशहूर क्वेश्चन है, या बहुत आता है क्वेश्चन इस पर, वो मैं कराकर एकदम डिफरेंट टॉपिक शुरू करूंगा। सर लिख लिया, थैंक यू। एवरीवन रिटेन? यस सर। यस, अब बहुत ही एक अच्छा टॉपिक मैं आपको एक क्वेश्चन कराने के बाद, अब हम लोग क्वांटम नंबर की तरफ बढ़ रहे हैं, टॉपिक डी ब्रॉग्ली और हाइजेनबर्ग पढ़ेंगे। बताइए हाँ या ना। यस सर लिख लिया। देखिए एक टॉपिक है कि हम कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ लाइंस इन हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में नंबर ऑफ लाइंस निकालने का फॉर्मूला इस पर क्वेश्चन आते ही है, एन टू माइनस एन वन, एन टू माइनस एन वन क्वेश्चन कैसे देगा मैं अभी बता रहा हूँ, पहले इसको लिख लीजिए। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में अगर पूछा जाए डायरेक्ट नंबर ऑफ लाइंस निकालने का फॉर्मूला बताइए, तो आप इस तरह लिख लिया बताइए सर, दो मिनट सर। ओके।
सर हो गया, सब लोगों का हो गया? यस सर। क्वेश्चन नंबर वन, अब आप लोग मुझे करके बताइए नंबर ऑफ नाइन प्रोड्यूस्ड इन हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम इफ इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम फिफ्थ ऑर्बिट टू ग्राउंड स्टेट। कितना होगा जल्दी बता दीजिए। मैंने कहा था नंबर ऑफ नाइन्स का फॉर्मूला है N2 माइनस N1। N2 माइनस ग्राउंड स्टेट किसको कहते हैं सारे लोग बताइए तो। ग्राउंड स्टेट का मतलब N इक्वल्स 1। वेरी गुड, बहुत ही अच्छे आदमी हैं आप। डिवाइडेड बाय 2 4 × 5 10 लाइंस आई कि नहीं सबका? हाँ या ना? यस सर। ये मेरा आज आया समझ में? यस सर आ गया समझ। आप देखिए इसको प्रूफ भी कर सकते हैं आप, देखिए लॉजिक से लगिए। 5 पहले 4 पर आया होगा, 3 पर आया होगा, 2 पर आया होगा, 1 पर आया होगा। 4 पे कूद जम करके 3, बहुत सारी पॉसिबिलिटीज है ना। 3 वाला 2 पर आया होगा, 1 पर आया होगा, 2 वाला 1 पर आया होगा। सबको काउंट कर लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। दिस इज द लॉजिक अप्रोच। अरे बोलिए हाँ या ना? और यस सर। और ये है डायरेक्ट, आपको यही काम आएगा ना, इतना तो आपको करेंगे नहीं। चलिए आगे बढ़े, जल्दी बताइए सबको समझ में आ रहा है ना? यस सर। मेराज अच्छे से आया? नोहा सबिया सबको अच्छे से आया? यस सर। यस सर। अब मैं एक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन इसका, ये तो आपको फार्मूला डायरेक्ट याद रखिएगा, आपको बस याद कर लेना इनटू माइनस एन वन इनटू इनटू माइनस एन वन प्लस वन डिवाइडेड बाय टू, बस ऐसे ही कर लेंगे। आगे बने जल्दी बताइए। यस सर। अब मैं जो क्वेश्चन दे रहा हूँ और से सुनिएगा। क्वेश्चन नंबर 2, मान लीजिए इलेक्ट्रॉन पूरी लैंग्वेज ना लिख के 6 से 2 पर गया। मान लीजिए इलेक्ट्रॉन कहां से कहां गया? 6 से 2। हां, इन Hg प्लस 1 स्पेक्ट्रम, इन Hg प्लस 1 स्पेक्ट्रम है। अब इसमें मैं 3-4 पार्ट दूंगा। पहला पार्ट ये है टोटल नंबर ऑफ लाइंस निकालिए, जल्दी जल्दी निकालिए तो जल्दी से टोटल नंबर ऑफ लाइन ए पार्ट करके लिखिएगा, टोटल नंबर ऑफ लाइंस इन द स्पेक्ट्रम बना के दिखाइए।
पहला क्वेश्चन का आंसर सबका आ गया, सिक्स लाइंस, सबका सिक्स लाइंस आया, जल्दी बताइए ना, नुहास अभिया नंबर ऑफ लाइंस, सिक्स माइनस टू प्लस वन बाय टू, फोर इंटू फाइव एट होगा बाय टू, टेन लाइंस इसमें भी तो आ रहा है, बोले हाँ या ना। अरे यार हमारा सिक्स कहाँ से आएगा, अरे यार अरसलान मेराज नोहा सबिया सबका आंसर ये आया, जल्दी बताएं। यस अरसलान तुमको समझ में आया, तुम सिक्स कहाँ से बोल दिए यार, तुम कहाँ से बोल दिए सिक्स, डायरेक्ट फॉर्मूला पे सर वो कैलकुलेशन एरर, तो क्या रहे कैलकुलेशन। चलो इसका बी पार्ट करके देखा, लॉजिक है इसमें ना, यही लैंग्वेज है, सिक्स से टू पर गया तो नंबर ऑफ लाइंस इन विजिबल रीजन, अब तुम टेबल देखो विजिबल रीजन, अच्छा बताओ विजिबल रीजन में कौन सा सीरीज लाइक करता है, जल्दी बताओ, बाल्मर सीरीज। अब यहाँ पर ये फॉर्मूला मत लगा दीजिएगा, इसलिए अच्छा एग्जाम है, ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला हुआ कि सिक्स से टू है नंबर ऑफ लाइंस, अब ये कह रहा है कि जब सिक्स से टू पर आया ना तो विजिबल रीजन तक आप बताइए नंबर ऑफ लाइंस, तो यहाँ देखिए कि विजिबल, आप देखिए आप ऐसे घर देखिए मैं आपको समझाता हूँ, n is equal to 6 है, n is equal to 5 है, n is equal to 4 है, n is equal to 3 है, n is equal to 4 है, बताइए visible region कहाँ पर हुआ, जल्दी बताएं, n is equal to 2 है ना बाल्मर सीरीज, जल्दी बताओ, yes sir lower orbital by, हाँ तो देखो 6 से 2 पर आया, ठीक है 5 वाला भी 2 पर आएगा कि नहीं, जल्दी बोलो हाँ या ना, yes sir, फोर वाला भी टू पर आएगा, थ्री वाला भी टू पर आएगा, तो इसका मतलब फोर लाइंस है, नंबर ऑफ लाइंस यहाँ पर कितना आंसर हुआ, फोर। हेलो एवरीवन, सबको समझ में आया विजिबल रीजन में फोर लाइंस लाइक करेंगे, कोई बोल ही नहीं रहा है, सबको आ गया ना, हमें विजिबल रीजन तक ही रोकना है ना, सिक्स पे टू हमको टोटल पूछता, तो दिस इज द आंसर, कह रहा है कि बताइए जब सिक्स से टू गया तो विजिबल रीजन में कितना लाइंस प्रोड्यूस है, तो विजिबल रीजन का मतलब होता है n इज इक्वल टू 2 बाल्मर सीरीज, ये टेबल बनाया गया है, बताइए नोहा सबिहा हमारा समझ, हाँ सर लिख लिया, अच्छा तुम बताओ, अगर अब बताओ नंबर ऑफ लाइंस इन अल्ट्रा वायलेट रीजन कितना होगा, अल्ट्रा वायलेट रीजन कहाँ होता है, डायमंड सीरीज में कि पाश्चन सीरीज में, डायमंड सीरीज बताओ, डायमंड सीरीज का मतलब क्या हुआ, एन इज द लोअर ऑर्बिटल वन, हाँ डायमंड सीरीज, बताओ लोअर ऑर्बिटल वन,
बताओ नंबर ऑफ प्लैंक्स कितना आएगा, सारे लोग जवाब दो बताओ। 6 से 2 पर है, 6 से 2 पर जा रहा है, तो बताओ जब 6 से 2 पर जा रहा है तो 1 पर आ रहा है क्या, इसलिए 1 पर तो ना आएगा। नो सर। तो नंबर ऑफ प्लैंक्स आया समझ में, जब 6 से 2 पर जा रहा है 1 पर तो जा ही नहीं रहा है, तो नंबर ऑफ लाइन 0 आया समझ में। हेलो एवरीवन। यस सर। रिपार्ट ये तुम लोग करके दिखाओ, नंबर ऑफ लाइंस इन इंफ्रारेड रीजन, इंफ्रारेड रीजन में बताओ सारे लोग कहां से कहां तक होगा। सर इसमें तो 3 सीरीज होती है। हाँ तो लॉजिक लगाओ ना, दिमाग लगाओ, दिमाग लगाओ। तो बोल ही नहीं रहे हो, बताओ इंफ्रारेड रीजन में बताओ सारे लोग। सर 6 शायद। n is equal to 6, n is equal to 5, n is equal to 4, n is equal to 3, n is equal to 5. अब सारे लोग बताइए इंफ्रारेड रीजन का मतलब कहां कहां होता है, फास्टन सीरीज, ब्रैकेट सीरीज, फंड सीरीज, यही तो है। n is equal to 3, n is equal to 4, तो सब पे आ जाएगा। 6 से किस पर आएगा जल्दी बताओ, 6 से किस पर आएगा, 3 पर आएगा, वेरी गुड। और 6 जो है 4 पर भी आ सकता है, और 6 जो है वो 3 पर आ सकता है, ठीक है। उसी तरह 5 वाला 4 पर भी आ सकता है, 5 वाला 3 पर भी आ सकता है, सिमिलरली 4 वाला 3 पर आ सकता है कि नहीं, जल्दी बोले हाँ या ना। तो 3 2 5 6, दिस इज द करेक्ट आंसर, नंबर ऑफ लाइंस इज इक्वल टू 6। बोलिए किसी को डाउट है बताइए, इंफ्रारेड रीजन कहाँ कहाँ पाया जाता है ये मालूम होनी चाहिए। जिसको ये नहीं मालूम है उसका कोई इलाज नहीं मेरे पास, टेबल बना दिया गया उसको पढ़िए। यस सर लिख लिया। चलिए नेक्स्ट टॉपिक डालिएगा, लिमिटेशन ऑफ बोर मॉडल। देखिए बोर मॉडल की लिमिटेशन, बोर असल में किसके लिए एप्लीकेबल था, 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम की मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम, जल्दी बताएं। बोर मॉडल 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए एप्लीकेबल था कि मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम। लिमिटेशन का मतलब यही है, ऐसी बात जो उन्होंने ना बताई हो। तो आप बोर मॉडल 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए एप्लीकेबल था ना, मैं बताऊं ना यार, तुम लोग बताते क्यों नहीं हो, जवाब तो दिया है। मल्टी इलेक्ट्रॉन के लिए था, किसने कहा मल्टी, गलत। बोर मॉडल इज एप्लीकेबल है, अरे क्वेश्चन कर लिए तो भी फिर भी नहीं मालूम है, सब में देखो 1 इलेक्ट्रॉन है, Hg प्लस 1 1। अरे यार सलाम, देखो 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए लिखवाया था नोट्स में, बोर मॉडल इज एप्लीकेबल ओनली फॉर 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम। देखिए पहला पॉइंट, इट वाज अनेबल
to explain the spectrum of multi-electron system. Multi-electron system के लिए applicable नहीं है. दूसरा, वो it could not explain the bond formation. ये बॉन्ड फॉर्मेशन के बारे में नहीं बताया कि भाई कैसे इलेक्ट्रॉन लॉस या गेन होगा. इसलिए सारे लोग हाँ या ना जल्दी बताएं. यस सर. आप सुनो अच्छे से. तीसरा, ये सारे लोगों ने लिख लिया. यस सर, लिख लिया. अच्छा, तुम हम लोगों ने उस दिन पढ़ा था ना इमिशन स्पेक्ट्रम और एब्जॉर्प्शन. मान लो बाद के साइंटिस्ट ने ये भी देखा, मान लिया ये येलो लाइट है, देखते रहना मैं कलर चेंज कर रहा हूं, येलो ही का है, येलो ही टाइप है, बताओ दोनों के कलर की इंटेंसिटी में फर्क है कि जल्दी बताओ हाँ या ना. अरे दोनों येलो की कलर की इंटेंसिटी अलग अलग है ना, एक डार्क है, एक हल्का है. तो यही देखो बोर मॉडल में जो स्पेक्ट्रम मिला था उन्होंने तो कहा कि भाई येलो मान लिया येलो, ये जो हम लोगों ने पढ़ा भी था. लेकिन बाद में ये भी साबित हुआ कि भाई येलो की भी बहुत सारी लाइंस आ रही हैं. एक डार्क येलो है, एक हल्का येलो है. अगर रेड बन रही है तो बहुत सारी रेड लाइट की शेड्स बन रही है. रेड में भी बहुत सारी शेड्स. रेड का मतलब भाई इंटेंसिटी. It could not explain the relative intensity of a spectral line. अरे बोलिए हाँ या ना. अगर येलो की बन रही थी तो बहुत सारी बन रही थी. क्लियर है कि नहीं? Yes, sir. कोई किसी की इंटेंसिटी ज्यादा थी तो ये सब चीजें बेचारे नहीं बता पाए. लिमिटेशन का मतलब होता है कि वो बताया वो गलत. एक होता है ड्रॉबैक्स. समझा? तो ड्रॉबैक्स का मतलब होता है कि भाई बताया वो गलत हुआ. लिमिटेशन का मतलब ऐसी बातें जो उन्होंने बताई ही नहीं, पर उनका ध्यान नहीं किया. तो याद रखें, तीसरी लिमिटेशन ये है, इट कुड नॉट एक्सप्लेन द रिलेटिव इंटेंसिटी of spectral line. वही है. relative intensity का मतलब यही है कि अगर येलो लाइट की अगर स्पेक्ट्रम मिल रही थी उसमें भी येलो की बहुत सारी शेड्स बन रही थी. ठीक है, आया समझ में? हेलो एवरीवन. यस सर. अब देखें, ध्यान दीजिएगा, वो ये था, यही असल पॉइंट है. प्लीज देखिए, मैंने आपको कहा था ना, प्लीज देखिएगा, मैं दोबारा समझा रहा हूं बोर मॉडल को. कि मान लीजिए ये इलेक्ट्रॉन है, ये फोटोन से जब लाइट आती है एक पार्टिकुलर को ही एब्जॉर्ब कर पाएगी. अगर यहां से यहां तक 20 जूल है तो 20 जूल को ही आएगी. तो उस जगह, और से सुने, उस जगह डार्क आ जाएगा, बाकी सब चमकता रहेगा, उस जगह डार्क. उसको एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम कहा था कि नहीं, जल्दी बताएं हाँ या ना. यस सर. वेरी गुड. एब्जॉर्प्शन कहा गया था. प्लीज सुनना अच्छे से, ध्यान दीजिएगा. इससे मैंने कहा था उस दिन कि बोर साहब को स्पेक्ट्रम मिला लेकिन दो अलग अलग पार्ट में मिला, एक इमिशन स्पेक्ट्रम और एक एब्जॉर्प्शन. दोनों को जब मिला देंगे
तो बीम बॉयर बनेगा। याद है ये लाइन सबको मैंने समझाया था, हाँ या ना? यस सर, याद है। दैट द रीजन, इसी से ये साबित हुआ था कि एटम के अंदर बहुत सारे ऑर्बिट हैं, मैक्सिमम नंबर 7 है, 1 2 3 4 5 6 7, इसलिए अब तक 7 ऑर्बिट तक ही है। पहली बात ध्यान दीजिएगा, जब उन्होंने व्हाइट लाइट लीक किया, अब क्या हुआ बाद के साइंटिस्ट ने क्या किया, इसमें से पार्टिकुलर अलिया हमने येलो मान लिया, येलो को जब स्पेक्ट्रम से पास किया गया, गौर से सुनिएगा, एक तो विभायर बिना, जब एक पार्टिकुलर एनर्जी लेवल, मतलब पार्टिकुलर कलर, मान लो हम येलो मान लेते थे, येलो की भी अपनी एनर्जी है, इज इक्वल टू सी बाय लैम्डा से फोटोन से, तो उसमें से पार्टिकुलर कलर का जब स्पेक्ट्रम बनाया गया तो फर्दर येलो लाइट बहुत सारी शेड्स में दी, शेड्स का मतलब वही जो मैंने अभी कहा था, डार्क येलो, कोई हल्का येलो, कोई बहुत ही डार्क येलो, से साबित, गौर से सुनिएगा, पहले साबित हुआ कि एटम के अंदर ऑर्बिट है, हाँ या ना, जल्दी बताओ सारे लोग, और मैक्सिमम नंबर में कितने ऑर्बिट, 7। सिमिलरली बात के साइंटिस्ट ने किया कि उसमें से एक पार्टिकुलर एनर्जी का दोबारा स्पेक्ट्रम बनाया, तो देखा ये कि येलो भी स्प्लिट करके तीन बहुत सारे अपने ही येलो की शेड्स में डिवाइड हो रहा है, मतलब हल्का येलो, डार्क येलो। इससे ये साबित हुआ कि शेल यानी ऑर्बिट के अंदर भी बहुत सारी एनर्जीज लेवल हैं, जिसको सब शेल कहते हैं, जो आप क्वांटम नंबर में पढ़ेंगे। अब तक था बोर मॉडल से आपको ये मिला था कि एटम के अंदर ऑर्बिट है, जब एटम से लाइट पास किया तो उसका जो स्प्लिट होना था, जो दो स्पेक्ट्रम मिला, दोनों को मिलाकर विभाग में, तो उन्होंने कहा भाई ऑर्बिट है और मैक्सिमम 7 है, लेकिन बाद के साइंटिस्ट ने उस 7 में से पार्टिकुलर कलर को भी जब प्रिज्म से पास कराया तो उस येलो की भी बहुत सारी शेड्स बनने लगी। इससे साबित हुआ कि भाई शेल के अंदर भी बहुत सारी एनर्जीज लेवल है, उसी को बाद में कहा गया सब एनर्जी लेवल। ये लिमिटेशन थी, मतलब शेल है, शेल का कॉन्सेप्ट था, लेकिन शेल के अंदर भी सब शेल है, ये बोर साहब नहीं बताए थे, लिमिटेशन इसी को कहते हैं। क्या मेरी बात समझ में आई जो मैंने बोला? हेलो एवरीवन। यस सर। और एक ही आदमी को आई क्या, सबको नहीं आई? हेलो। तो नहीं सर, हाँ, इससे साबित हुआ जो बुक लिखता जो स्टूडेंट को नहीं समझ में आता, इट कुड नॉट एक्सप्लेन द, ये लाइन सुनिए, फाइन लाइन स्पेक्ट्रम, सुनिए अच्छे, फाइन लाइन, फाइन का मतलब है भाई फर्दर स्प्लिट होना, मतलब यही है कि स्पेक्ट्रम का भी स्पेक्ट्रम, एक स्पेक्ट्रम भी गॉय मिला, उसमें से पार्टिकुलर कलर का भी जो बने, तो उसमें भी स्पेक्ट्रम बना, वो फर्दर, तो सर येलो तो कैसे बनेगा, तो येलो का बहुत सारे कलर, बहुत सारे येलो ही में, कोई हल्का येलो, कोई डार्क येलो, यही है मतलब, यही हुआ फाइन लाइन का मतलब, स्पेक्ट्रम के अंदर स्पेक्ट्रम मिला। इसी से साबित हुआ कि भाई एटम के अंदर तो ऑर्बिट है ही है, उस शेल के अंदर भी बहुत सारी एनर्जीज लेवल हैं, उसी को बाद में कहा गया सब शेल। समझ में बात आ रही है? स्पीडीएम पे पढ़ेंगे आप, एनी प्रॉब्लम है स्टूडेंट? नो सर। थर्ड है क्या लिमिटेशन? थर्ड नंबर है क्या? नहीं, इसे फोर्थ है। हाँ फोर्थ है, फोर्थ देखिए, डू नॉट सी से रिलेटेड टॉपिक है, इसी को कहते हैं सीमन अफेक्ट एंड स्टार्क अफेक्ट, बहुत इंपॉर्टेंट है। इट कुड नॉट एक्सप्लेन
Zeeman, भाई Zeeman से ही subshell और का फर्क होता है. It does not explain the Zeeman effect and मैं इसको समझा देता हूं, जल्दी लीजिए. इतने सारे लोग हाँ या ना? यस सर. देखिए स्टार का इफेक्ट वही है जो आपको मैंने सिखाया ना, फाइन लाइन स्पेक्ट्रम. तो और शेल के अंदर भी बहुत सारे वही है. ये मैग्नेटिक फील्ड है, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, उसमें मान लिया ऑर्बिट को रखा, शेल को रखा गया, यानी वही स्पेक्ट्रम येलो लाइट को ये फर्दर स्प्लिट कर गया. इससे साबित हुआ कि शेल के अंदर भी बहुत सारे सर्कल हैं, जिसको कहते हैं द स्प्लिटिंग ऑफ मेन स्पेक्ट्रम. मेन स्पेक्ट्रम लाइन का मतलब यही है ऑर्बिट. द स्प्लिटिंग ऑफ मेन स्पेक्ट्रम लाइन इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज कॉल्ड Zeeman इफेक्ट. And electric field के presence में अगर ये splitting होगी तो कहेंगे star का effect. इसी splitting से पता चला, again I repeat, Weber मिला, उस Weber में से भी एक particular color का भी spectrum जब बनाएगा तो उसका further spectrum बना. further spectrum बनने का मतलब हुआ कि उस red क्या है, तो red ही में बहुत सारी shades बनी, हल्का red, dark red, इस तरह की बनी. इस बात को साबित किया कि एटम के अंदर ऑर्बिट है, शेल है, शेल के अंदर भी बहुत सारी एनर्जीज लेवल हैं. उसी को बाद में इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड के नाम से कह दिया गया Zeeman एंड स्टार्क इफेक्ट. सी Zeeman और स्टार्क इफेक्ट से फाइन लाइन स्पेक्ट्रम का पता चला, मतलब शेल के अंदर भी सब शेल है. वो मैं लिखा देता हूं Zeeman इफेक्ट. This is all about the Bohr model. इतने सारे लोग? यस सर, लिख लिया.
यस सर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए अब जो हम लोग पढ़ रहे हैं गौर से सुनिएगा अच्छे से, केमिस्ट्री में तो अब तक बोर मॉडल आपने पढ़ा और कुछ तो बोल यहाँ आया ना। यस सर। अब देखिए अब इंटायरली देखिए गौर से सुनिए। जैसे फिजिक्स में मैं इसलिए ये सब बता देता हूँ कि आपको बीच में डाउट ना रहे। फिजिक्स कहती है कि मैकेनिक्स जो होती है वो दो तरह की होती है। प्लीज गौर से सुनो, ये आपको जानना है। जब आप सेल्फ स्टडी कीजिएगा तो केमिस्ट्री में भी आपको ये सब कॉन्सेप्ट मिलेंगे। एक होता है क्लासिकल मैकेनिक्स, प्लीज सुनेंगे अभी लिखेंगे क्लासिकल मैकेनिक्स, और एक होता है नॉन क्लासिकल मैकेनिक्स। क्लासिकल मैकेनिक्स और नॉन क्लासिकल मैकेनिक्स। देखिए जिस तरह फिजिक्स में पढ़ते हैं बीगर ऑब्जेक्ट को डील किया गया न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। क्लासिकल मैकेनिक्स समझिए न्यूटन्स मैकेनिक्स, v is equal to u plus at, s is equal to ut plus half at square। आप बीगर ऑब्जेक्ट को डील कर, कार मूविंग मैन स्टोन पार्टी की ये सब हुआ करते हैं। बोलिए हाँ या ना। हेलो एवरीवन। यस ठीक। लेकिन फिजिक्स इस बात पर फेल हो गई, क्लासिकल मैकेनिक्स इस बात उसी पर कि इलेक्ट्रॉन भी मूव करता है तो क्यों नहीं उसमें s is equal to ut plus half at square। फिजिक्स में इसके नाम से एक के ब्रांच ही डेवलप कर दी गई जिसको कहते हैं क्वांटम मैकेनिक्स। अब तक यही एक ऐसा पार्ट है जिस पर अब तक रिसर्च हो रहा है। क्लासिकल मैकेनिक्स बोले तो मोशन ऑफ मैक्रोस्कोपिक बॉडी, मैक्रो मूविंग कार मूविंग मैन मूविंग क्रिकेट बॉल ये सब। लेकिन यही इक्वेशन माइक्रो स्मॉलेस्ट इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन वगैरह पे नहीं अप्लीकेबल है। तो बाद में क्वांटम मैकेनिक्स में दो साइंटिस्ट का बहुत बड़ा रोल था, हेजनबर्ग एंड श्रोडिंगर। सुन लीजिए और से दोबारा कान खोल कर, एटम के अंदर न्यूक्लियस है, इस पर रिसर्च हो गया, रदरफोर्ड ने बता दिया। न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन न्यूट्रॉन रहता है, ये भी हो गया। डिस्कशन इस बात का था कि इलेक्ट्रॉन की क्या पोजीशन है, तो बोर ने कहा ऑर्बिट है ऑर्बिट, लेकिन बाद के साइंटिस्ट ने कहा नहीं। क्वांटम मैकेनिक्स कहता है इलेक्ट्रॉन का तो फिक्स पाथ होता ही नहीं है, इलेक्ट्रॉन लाइक अ वेव नेचर। अब तक आपने बोर मॉडल के मुताबिक पढ़ा इलेक्ट्रॉन के अंदर पार्टिकल नेचर को रखते हुए कहा कि इलेक्ट्रॉन का डिफिनिट पाथ होता है, इलेक्ट्रॉन जिस पाथ पर मूव करता है उसका नाम ऑर्बिट है। बाद के साइंटिस्ट ने जब रिसर्च किया तो उसने अब रिसर्च का एक्सपेरिमेंटल प्रूफ की दिया कि नहीं इलेक्ट्रॉन पर तो क्लासिकल मैकेनिक्स लगता ही नहीं है। इसलिए आप देखिए बोर मॉडल में एंगुलर मोमेंटम की बात हुई, ये सब क्लासिकल मैकेनिक्स है, MVR है, ये सब बातें वही है। आप सॉरी बोर मॉडल में कूलम्स लॉ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की बात हुई थी ना उस दिन लॉ जब पढ़ाया था आपको, ये सब क्लासिकल मैकेनिक्स है। बाद के साइंटिस्ट की खोज इसी बात पर थी कि इलेक्ट्रॉन का क्या एक्चुअल पाथ है। इलेक्ट्रॉन का कोई डिफिनिट पाथ नहीं होता, इलेक्ट्रॉन जहां रह सकता है उस रीजन का नाम उन्होंने कहा ऑर्बिटल। तो पूरी और इसलिए बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है वेव इक्वेशन इसको कहते हैं। तो श्रोडिंगर इसी को अब हम लोग पार्ट में पढ़ेंगे। तो क्लासिकल मैकेनिक्स है न्यूटन मैकेनिक्स जो बीगर ऑब्जेक्ट को डील करती है जिसमें पार्टिकल नेचर है, मतलब आप वेलोसिटी पोजीशन आराम से निकाल सकते। क्वांटम मैकेनिक्स माइक्रोस्कोपिक बॉडी को डील करती है,
उस पर न्यूटन्स लॉज नहीं लगा सकते। कुछ तो बोलिए, हाँ या ना। हेलो एवरीवन। यस सर। अरे मेहराज, सबको समझ में आया? यहाँ से समझे सारे लोग अच्छे से? यस सर, समझ में आ रहा है। हाँ, बहुत अच्छे आदमी है आप। बेस्ड अपॉन, देखिए ये दोनों में डिफरेंस, न्यूटन्स इसने नीचे लिखे गए इट इज डेवलप्ड बाय सारे लोग? यस सर, लिखिए। तो देखिए, दो साइंटिस्ट का रोल था, लेकिन उस दो साइंटिस्ट को सपोर्ट किसने किया? इसलिए एक कंसेप्ट आया उससे पहले, ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट। याद है ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट पहला टॉपिक पढ़ाया था मैंने? यस सर। अब हम लोग पढ़ने यही है, ये सपोर्ट किया है उनको, समझा कि नहीं? ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर, जिसका नाम था साइंस, पहले दो मिनट सुन लीजिएगा, इसका नाम था डी ब्रॉगली। जिस तरह डी ब्रॉगली ने कहा कि जिस तरह लाइट के अंदर ड्यूअल नेचर होता है, तो दुनिया में जैसे मैटर का मतलब कोई भी हम हो, कोई भी हो, उन्होंने कहा मैटर के अंदर भी वो करैक्टर है। तो सर हम लोग के अंदर तो वेव नेचर नहीं है, हम बताएंगे, अभी बताएंगे। वेव नेचर है, लेकिन इतना नेग्लिजिबल है
उसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं, वो हम आपको बताएंगे कैसे। अगेन आई रिपीट, क्वांटम मैकेनिक्स को डेवलप किया दो साइंटिस्ट ने, हेजनबर्ग एंड श्रोडिंगर ने, लेकिन उन दो साइंटिस्ट को सपोर्ट किया डी ब्रॉगली ने। पहले ये कंसेप्ट आया, फिर बाद में उन दोनों साइंटिस्ट ने मिलकर क्वांटम मैकेनिक्स का रोल बताया। तो डुअल नेचर ऑफ मैटर में यही है कि जिस डी ब्रॉगली ने यही कहा कि जिस तरह लाइट के अंदर डुअल नेचर होता है, सिमिलरली मैटर के अंदर भी डुअल नेचर होता है। समझा कि नहीं? हेलो एवरीवन, समझ में बात आई? मेरे साथ साथ लिखिए कैसे उन्होंने क्या वो भी बताएंगे आपको। तो लिखिए, डी ब्रॉगली प्रपोज दैट मैटर शुड एक्सिबिट्स डुअल बिहेवियर। जब भी डुअल बिहेवियर कहे तो पार्टिकल एंड ग्रोथ, डुअल बिहेवियर मतलब बोथ पार्टिकल एंड वेव नेचर। Just like radiation. इस तरह radiation के दो होते हैं उसी तरह। समझ में बात आई? हाँ या ना? Yes sir. Dual nature का ये किसने दिया था? Dual nature of matter बताइए सारे लोग। De Broglie. मोहा सभिया सबको आ रहा है? मेरा सबको आ रहा है? बताइए कुछ। यस। तो उस क्वांटम मैकेनिक्स को आने से पहले इस साइंटिस्ट का सपोर्ट था उसको, समझा? उन्होंने सपोर्ट किया उस मैकेनिक्स को। उन्होंने कहा जिस तरह रेडिएशन में ड्यूअल नेचर है, सिमिलरली मैटर के अंदर भी है। उन्होंने एक स्टेटमेंट कहा। लिख लिया सारे लोगों ने? हाँ या ना? Yes, sir, लिख लिया। अच्छा एक बात भी आपको मैं मिसाल से, आप बताइएगा आप लोग सही है या गलत। जैसे एक आदमी दौड़ रहा है, जैसे एक आप खड़े हुए हैं, आपका कोई फोटो ले तो एग्जैक्ट वही आएगा, लेकिन आप भागते हुए आदमी का फोटो लेंगे तो बताइए उस आदमी के फोटो के साथ साथ उसकी शेड की भी फोटो आएगी कि नहीं, बैक साइड से? अरे बोले कि नहीं? नहीं, मेरी बात समझ में आई? अच्छे से समझ नहीं आया। हाँ फिर से बोल देते हैं। मैंने ये कहा अगर कोई आदमी, जैसे आप रिस्ट पर हैं, वो फोटो आप क्लिक किया किसी फोटोग्राफर को, आप क्लिक करो फोटो, एग्जैक्ट आप ही का आएगा जो आप रिस्ट पर हैं, मोशन यानी वेलोसिटी जीरो आप करे हुए। बोले सारे लोग हैं या ना? यस सर। लेकिन एक भागते हुए आदमी का आप बताइए फोटो जब खींचेंगे तो क्या मिलेगा? उस आदमी भागते हुए आदमी का तो फोटो आएगा ही, अब कुछ उसके साथ साथ शेड्स भी उसकी बन रही है। और यहाँ या ना? यस सर, डिस्टॉर्शन होता है। हाँ डिस्टॉर्ट, तो उसी को वेव कहते हैं। वो वेव इतना कम है कि हम उसको नेगलेक्ट कर देते हैं। तो भागते हुए आदमी की फोटो लेना और एक रेस्ट पर आदमी का फोटो लेना, दोनों में फर्क है। फर्क है कि नहीं बताए ना सारे लोग, मेरा सबिया और नोहा? Yes. हाँ, अब देखिए उन्होंने यही कहा डी ब्रॉगली ने कि एनी ऑब्जेक्ट इज इन मोशन, दे ऑल्सो जेनरेट वेव, दिस वेव इज कॉल्ड मैटर वेव। उन्होंने अपने पर नाम रख दिया डी ब्रॉगली वेव। तो इलेक्ट्रॉन भी मोशन में है, और से सुनिए आप अच्छे से। डी ब्रॉगली ने यही से लिया, जिस तरह एक मोशन में जो आदमी होता है, मोशन कोई अगर ऑब्जेक्ट मोशन में रहेगा तो वो भी एक वेव नेचर शो करेगा, तो इलेक्ट्रॉन भी मूव करता है।
मेरी आवाज आ रही थी ना कि नहीं आ रही थी? सर अभी तो नहीं आ रही थी। अब आ रही है ना? यस सर अब आ रही। अकॉर्डिंग टू डी ब्रॉगली मेरे साथ साथ लिखिए, एनी ऑब्जेक्ट इज इन मोशन देन दे जनरेट वेव। Called matter wave या डी ब्रॉगली wave। अब इन्होंने एक फॉर्मूला दिया, उन्होंने कहा कोई भी ऑब्जेक्ट अगर मोशन में होगा तो वो वेव की तरह प्रोपेगेट करेगा। अरे बोलिए ना कुछ तो बोलिए। हाँ या ना? हेलो एवरीवन, समझ में आ रहा है? यस सर समझ में आ रहा है। थैंक यू थैंक यू। ये भी वेव करेगा। अब देखिए, अब इसमें क्या है, लिख लिया सारे लोग? हाँ या ना? यस सर लिख लिया। अब देखिए उन्होंने एक फॉर्मूला दिया, उसी से पता चलेगा, तो मैं फिर बताऊंगा इसका डेली लाइफ में क्या सिग्निफिकेंस है। आपने पढ़ा है ना E is equal to MC square, आइंस्टीन की इक्वेशंस? अरे बोलिए। यस सर। हाँ, और ये कहा जिसके अंदर भी मास है उसके अंदर एनर्जी है, अकॉर्डिंग टू आइंस्टीन। उन्होंने आइंस्टीन, देखिए मैं इसकी कहानी भी सुनाऊंगा आपको आइंस्टीन के मुताबिक। और आपने पढ़ा है ना E is equal to SC by lambda, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। अब बोलो ना यार। yes, sir. तो नहीं होते लेमडा है तो वेव नेचर हो गया लाइट का। तो उन्होंने कहा कि भाई कोई ऑब्जेक्ट के अंदर मास है वो भी एनर्जी दे रहा है, यहाँ लाइट ये भी है। उन्होंने दोनों को इक्वेट कर दिया एस सी बाई लेमडा। लेमडा इज इक्वल टू एच बाई एम सी, मतलब मास इनटू वेलोसिटी। तो लेमडा इज दो, और से सुनिएगा अच्छे से। तो यहां से एक फॉर्मूला ड्राइव हुआ ना ए जी सेकंड को एम बाई सी। अरे बोलो हाँ या ना? अब देखो ये फॉर्मूला लेकर वो आइंस्टीन के पास गए, फिर उन्होंने आइंस्टीन की मदद ली थी। आइंस्टीन ने कुछ देर सोचा, उनके बाद उन्होंने कहा कि तुम इसको सबके लिए अप्लीकेबल करो। उन्होंने पहले कुछ पार्टिकुलर के लिए गया था, अब देखिए उन्होंने कहा कहा चूंकि यहाँ पर तो सी है तो उन्होंने वही डी ब्रॉगली ने कहा कि इफ ऑब्जेक्ट, क्योंकि लाइट रहेगा तो सी थ्री इंटू टेन टू द पावर एट, लेकिन कोई ऑब्जेक्ट अगर इस मोशन में रहेगा तो सी थ्री ना होगा, इज इन मोशन। तो वहां लेमडा का फॉर्मूला सी की जगह वेलोसिटी डाल दीजिए, सी भी तो वेलोसिटी ऑफ लाइट है ना, रेडिएशन की तरह। yes, बोले ना हाँ। तो उन्होंने यही कहा कि सब के लिए कर दो, मैटर के लिए भी कर दो। उन्होंने पहले लाइट के लिए बोला, बोला नहीं लाइट लाइट से तो है ही है, आइंस्टीन की भी मदद लीजिए। अब बताओ इससे बताओ सारे लोग, मास ज्यादा होगा तो माइक्रोस्कोपिक होगा कि नहीं, जल्दी बोलो हाँ या ना? मास बहुत ज्यादा है तो माइक्रो है कि नहीं वो? हेलो एवरीवन, मास ज्यादा है तो माइक्रो है कि नहीं? तो लेमडा बहुत ही कम होगा, इसलिए कहा गया कि डी ब्रॉगली का जो थे से, दो मिनट सुनिएगा, डुअल नेचर ऑफ ये मैटर के अंदर भी वेव नेचर है, पार्टिकल नेचर तो है ही है, वेव नेचर भी है, लेकिन ये डी ब्रॉगली सिग्निफिकेंट ज्यादा है माइक्रो के लिए। देखिए इससे साबित हो गया माइक्रो के लिए, क्योंकि माइक्रो है तो मास कम है, वेवलेंथ ज्यादा, और वेवलेंथ ज्यादा तो वेव करेक्टर। मूविंग कार, मूविंग मैन, जो मैंने कहा कि एक दौड़ते हुए आदमी का फोटो क्लिक करें उसमें भी कुछ वेव्स बन रही होती, लेकिन वो वेव इतनी कम है क्योंकि मास इतना ज्यादा है कि वेव इतनी कम है, इट इज नॉट मेजर्ड, इट इज नेग्लिजिबल। तो डी ब्रॉगली ने तो सबके लिए दिया था, लेकिन सिग्निफिकेंट है माइक्रो, एम आई सी माइक्रो, और माइक्रो में इलेक्ट्रॉन भी आ गया, इलेक्ट्रॉन का मास तो और ज्यादा नेग्लिजिबल है, 9.1 × 10⁻³¹, कितना कम है। उन्होंने कहा इलेक्ट्रॉन भी वेव नेचर होगा, इलेक्ट्रॉन के अंदर भी डिफ्रैक्शन होगा, डिफ्रैक्शन पैटर्न, वेव नेचर जो होता है वो डिफ्रैक्शन शो करता है। बाद में फिजिक्स में 12th में एक्सपेरिमेंट कीजिएगा इस पर, समझा कि नहीं कि इलेक्ट्रॉन के अंदर वेव नेचर, एक्सपेरिमेंटल प्रूफ किया।
डी ब्रॉगली सबके लिए अप्लीकेबल है, लेकिन मोर सिग्निफिकेंट किसके लिए है, जल्दी बताओ सारे लोग। सब माइक्रो के लिए। वेरी गुड, क्योंकि माइक्रो में मास ज्यादा, वेवलेंथ मास कम, तो वेवलेंथ बहुत ज्यादा, टू लार्ज वेवलेंथ। चलिए लिखिए यहाँ से सारे, आया सबको अच्छे से? हाँ या ना? हेलो एवरीवन। यस सर। थैंक यू, जल्दी लिखिए। अरे नोहा सबिहा कुछ तो बोलिए, आप लोगों को आ रहा है? यस सर। थैंक यू। लिख लिया? यस सर, लिख लिया। ये लिख लिया, जल्दी बताइए। यस सर। ओके, डी ब्रॉगली मेरे साथ साथ लिखिए पहला पॉइंट, डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस। मोर सिग्निफिकेंट large wavelength is associated, आया समझ में? तो smaller the mass of the object, to large wavelength is associated. लिख लिया? यस सर, लिख लिया। सब लोगों ने लिख लिया? यस। दिस हाइपोथेसिस यानी डी ब्रॉगली इज लेस, जल्दी जल्दी लिखिए, इज लेस सिग्निफिकेंट। लेस का मतलब अप्लीकेबल तो आप कह सकते हैं, लेकिन लेस सिग्निफिकेंट Thank you.
क्लियर सारे लोग? हाँ या ना? यस सर, क्लियर। देखिए आपको फॉर्मूला आया, देखिए लैम्डा का पहला फॉर्मूला h/mv, मास इनटू वेलोसिटी। सारे लोग देखिए, लैम्डा इज ए कंटू, इसको मास इनटू वेलोसिटी को मोमेंटम कहेंगे, बोलिए हाँ या ना? यस सर। तीसरा गौर से सुनिए अच्छे से, और क्या कहते हैं इसको, और आप फिजिक्स में पढ़ चुके हैं मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी में रिलेशन, अंडर रूट 2 में इनटू काइनेटिक एनर्जी पढ़ा है। और कुछ तो बोलिए हाँ या ना? यस सर। अब देखिए एक चीज मैं बता रहा हूँ, उसको लिखिए, शायद मैं बता चुका हूँ फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ ध्यान दें, लिख लिया तो बताइए यहाँ तक, जिस तरह का न्यूमेरिकल रहेगा उसी तरह। यस सर, लिख लिया। अब देखिए, अच्छा वर्क डन, आपने 9th में पढ़ा होगा कि पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है वर्क डन पर यूनिट चार्ज, हाँ या ना? जल्दी बताइए। यस सर। यस सर, वर्क डन इज इक्वल टू चार्ज इनटू पोटेंशियल हो जाता है। यस सर। जैसे पोटेंशियल देखें तो इलेक्ट्रॉन के अंदर वेलोसिटी आ जाती है, तो दिस वर्क इज स्टोर्ड इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी, तो चार्ज के लिहाज से काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला qv, और सिचुएशन इसमें बहुत ही अच्छा न्यूमेरिकल देगा, क्योंकि यहाँ इलेक्ट्रॉन है तो काइनेटिक एनर्जी का जनरल फॉर्मूला होता है qv, और इलेक्ट्रॉन की वजह से ev, तो यहाँ पर लैम्डा का कहीं पर लिख दो, इफ इलेक्ट्रॉन इज एक्सीलरेटेड बाय अप्लाइंग पोटेंशियल कैलकुलेट द डिप्रोबेबली वेवलेंथ, कैलकुलेट द वेवलेंथ, तो आप सतर्क हो जाएंगे, तो उस न्यूमेरिकल में 2m काइनेटिक एनर्जी की तरह चार्ज इनटू पोटेंशियल, आया समझ में? हेलो एवरीवन, तो इस तरह के न्यूमेरिकल्स आते हैं, बढ़िया तरीके से। तो नेक्स्ट क्लास तक एकदम हेजनबर्ग सब खत्म हो जाएगा, उसके बाद से नेक्स्ट वेंसडे से क्वांटम नंबर शुरू होगा, तो मिस नहीं होना चाहिए, खासकर थर्ड एंड फोर्थ चैप्टर के लिए और सेकंड बुक के लिए। सुना सारे लोग? यस सर। यस सर, आपसे तो पढ़ाई होगा इसमें सब में, तो और अच्छे से समझने के लिए नहीं कीजिएगा, आपको पूरा इनऑर्डिनेट पूरा उसी पर है। आपने बोलिए। यस यस सर, लिख लिया। आपको मैं और शॉर्टकट बता देता हूँ, बहुत काम देगा ये फॉर्मूला, मैं क्या बताऊँ आपको हमारी तरफ से। अभी जो आपने पढ़ा लैम्डा इज इक्वल टू, ये अगर याद हो गया तो आपका और न्यूमेरिकल चुके हैं आपको एमसीक्यू टाइप सब में, qm into charge into potential, जानते हैं इसमें तीन पार्टिकल का न्यूमेरिकल बहुत देता है खासकर, पहला इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड अल्फा पार्टिकल, और अल्फा पार्टिकल का फॉर्मूला याद रखिएगा हीलियम न्यूक्लियाई 2+4, ये होता है हीलियम पार्टिकल को हम अल्फा पार्टिकल, प्रोटॉन को क्या कहते हैं h+1, दिस इज कॉल्ड प्रोटॉन,
हाइड्रोजन न्यूक्लियाई इज कॉल्ड प्रोटॉन, हीलियम न्यूक्लियाई इज कॉल्ड अल्फा पार्टिकल। तो एक बात बताइए, H तो यूनिवर्सल कांस्टेंट है ना, 6. प्लैंक्स कांस्टेंट, हां या ना जल्दी बताइए। यस सर। यस। इलेक्ट्रॉन का मास यूनिवर्सल, चार्ज भी यूनिवर्सल, 1.6 × 10⁻¹⁹ पोटेंशियल। जब भी कह दे इलेक्ट्रॉन इज एक्सीलरेटेड बाय वोल्टेज, तो क्यों आप इतना रूट निकालेंगे? तो आप शॉर्ट ट्रिक्स याद रखिए कि यहां लैम्डा इज इक्वल टू 150 बाय अंडर रूट पोटेंशियल पर बस इलेक्ट्रॉन के लिए फार्मूला करो। प्रोटॉन जब रहा है तो तुम्हारा और शॉर्टकट याद करो इतना करो, दिस इज स्टाइल, यू नो एंगस्ट्रॉम में आंसर आएगा, एंगस्ट्रॉम में आंसर आएगा, चेक भी कर लेना वैल्यू वही आएगी। और जब लेम अल्फा पार्टिकल रहे तो 0.101 बाई कर दो, दिस इज आसान। अरे बोलिए ना, हेलो। यस सर। तो तुम्हें अगर माने आपका टाइम बच जाए, जैसे आपको कहते हैं इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेटेड बाय 10 वोल्ट, फाइंड द डी ब्रोगली वेव लेंथ, तो लैम्डा 150 बाय अंडर रूट 10, दिस इज आसान। आप इससे भी निकाल के देख लो, पूरी वैल्यू पुट करके इससे भी निकाल के देख लो, आंसर सेम है, थोड़ा बहुत का माइनोर डिफरेंस होगा। ये तीनों याद हो जाए तो और अच्छी बात है, ये तो याद होनी चाहिए। ये तीनों इलेक्ट्रॉन ज्यादातर क्वेश्चन यही देता है, ये तीनों पर ही देता है डायरेक्ट। आया समझ में? यस सर। यस। चलिए आज इतना ही, नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होगी। ओके, बाय बाय, थैंक यू एवरीवन। थैंक यू सर। थैंक यू एवरीवन। लिख लिया था ना?